सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। इस वीडियो में बायजूस एकेडमिक स्पेशली साइंस के इंटरव्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बायजूस इंटरव्यू में बहुत बार पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। अगर इन क्वेश्चंस को अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो सकता है कि आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को प्लीज आप लाइक कर देना एंड चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना। सो गाइज, साइंस के एकेडमिक स्पेशलिस्ट क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा गया है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस आर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है, बहुत कैंडिडेट मुझे शेयर किए हैं कि सर आपने जो नोट्स दिए थे ये क्वेश्चंस उसी से आ रहे हैं। जो नोट्स में मैंने वही क्वेश्चंस दिए हैं जो बायजूस इंटरव्यू में पूछे गए हैं, ठीक है। तो ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन आर टू कम्प्लीटली डिफरेंट बट इंटररिलेटेड बॉडी प्रोसेसेस, ठीक है। इसका आंसर आप ऐसा दे सकते हो। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन। द आंसर इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन इज एरोबिक रेस्पिरेशन। इट इज द रेस्पिरेशन इन विच एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एरोब्स। द फोर्थ क्वेश्चन इज विच टेक्निक इज यूज्ड टू सेपरेट मरकरी फ्रॉम वॉटर। आंसर इज मरकरी इन वॉटर आर सेपरेटेड बाई डिकेनेशन बाई यूजिंग सेपरेटिंग फनल एज द सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स बाई सेपरेटिंग फनल डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस इन देयर डेंसिटीज। मरकरी इज हैवियर देन वॉटर, देयरफॉर फॉर्म्स द लोअर लेयर एंड द सेपरेटेड फ्रॉम वॉटर। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इज अर्थिंग, वाई इज दिस रिक्वायर्ड। ओके, इसका आंसर ये होगा, अर्थिंग इज यूज टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक शॉक। इट डज दिस बाई प्रोवाइडिंग ए पाथ फॉर ए फॉल्ट करेंट टू फ्लो टू अर्थ। इट ऑल्सो कॉजेज द प्रोटेक्टिव डिवाइसेज टू स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिक करेंट टू द सर्किट दैट हैज फॉल्ट। ओके, सिक्स क्वेश्चन क्या है, वॉट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज ए करेंट प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ वोल्टेज प्रोडक्शन ड्यू टू अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। सेवेंथ क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट जी, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वैल्यू ऑफ जी। आपको पता होगा जी का वैल्यू होता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और जो कैपिटल जी का होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन केजी स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ठीक है। What is solenoid? Solenoid is a device consisting of a coil of wire, the housing and a movable plunger, armature. When an electrical current is introduced, a magnetic field forms around the coil which draws the plunger in. More simply, a solenoid converts electrical energy into mechanical work. मतलब solenoid का definition ही होता है कि जो electrical energy को mechanical energy में convert कर दे, उसे solenoid कहते हैं, okay? नाइन्थ क्वेश्चन इज नेम द मेटल दैट कैन बी इजिली कट बाय नाइफ। द आंसर इज सोडियम। नेम सम नेचुरल इंडिकेटर्स। सम एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल इंडिकेटर्स आर रेड कैबेज, टर्मरिक, ग्रेप जूस, टर्निप स्किन, करी पाउडर एटसेट्रा। ओके, इलेवेंथ क्वेश्चन इज व्हाट इज द कलर चेंजेस फॉर फेनोल्फथलीन इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। फेनोल्फथलीन इज ऑफ्टन यूज्ड एज एन इंडिकेटर इन एसिड बेस iteration. For this purpose, it turns colorless in acidic solutions and pink in basic solution. अगर इसको basic solution में रखा जाए तो ये pink color का होता है, and acidic solution में ये colorless होता है. Okay. Different between cytoplasm and protoplasm. Okay. Answer is cytoplasm is surrounding the nucleus in the cell. Cytoplasm contains organelles, cytosol, enzymes. Whereas protoplasm contains cytoplasm and the nucleus. Okay. Next question is what is the nuclear membrane? Nuclear membrane is a double membrane that encloses the cell nucleus. It serves to separate the chromosomes from the rest of the cell. Okay. Next question is what are plastids? Plastids are double membrane organelles which are found in the cells of plants and algae. Next question is what are vesicles? Vesicles is a membrane bound cell organelles. What are vascular bundles? Vascular bundles are collection of a tube like tissues, tissues that flow through plant transporting critical substances to various parts of the plant.
17 क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन रोटेटरी एंड सर्कुलेटरी मोशन. मेन डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड रोटेटरी मोशन इज दैट सर्कुलर मोशन बॉडी रोटेट्स अबाउट द फिक्स एक्सेस विच लाइज आउटसाइड द बॉडी, बट इन द रोटेशनल मोशन द एक्सेस ऑफ रोटेशन ऑफ अ बॉडी लाइज इन साइड द बॉडी. ओके, 18th क्वेश्चन इज what is lateral inversion. Lateral inversion is the reversal of a mirror image where the right side of the object appears on the left side behind the mirror. Laws of reflection: the normal line divides the angle between incident ray and reflected ray into two equal angle. The law of reflection states that when a ray of light reflect off a surface, the angle of incidence is the equal to angle of reflection. Okay, velocity time graph क्या होता है? Velocity time graph shows the speed and direction an object travels over a specific period of time. Velocity time graphs are also called speed time graphs. The vertical axis of the velocity time graph is velocity of the object. Okay, ये 20 questions मैंने discuss किए हैं guys. बहुत मेहनत से मेरे questions मैंने collect किया है. तो video आपको अच्छा लगा इस वीडियो को प्लीज आप लाइक कर देना एंड चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर देना. ऐसे 17 क्वेश्चंस मेरे पास और है, अगर आपको चाहिए तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो या तो गूगल फॉर्म फिल कर सकते हो या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है. अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए इंटरव्यू के लिए तो आप ट्रेनिंग भी ज्वाइन कर सकते हो, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी इंटरव्यू क्रैक करने में. ओके गाइस, तो वीडियो अच्छा लगा गाइस तो वीडियो को प्लीज आप लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो. Thank you.